मोदी पाकिस्तान आ जाए और ये हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया चले जाए। अच्छा, इंडिया हमारा एक हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। जिस तरह हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमें उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। दुश्मनी नहीं किसी के साथ भी हमें करनी चाहिए। उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है कि एप्पल ने अपना पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खोल लिया है। बाकी एक चीज और देखिए, अगर आपके पड़ोसी का मुंह लाल हो तो चांटे मार के अपना मुंह लाल नहीं कर लेना चाहिए। अपने ऊपर अपनी इंडिविजुअलिटी को कबूल करें। अगर कोई आजकल अच्छा कर रहा है तो अपने आप को गालियां ना दें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई रिएक्शन ले रहे हैं पॉपकॉर्न यूट्यूब चैनल से। तो पाकिस्तान के किन्नर, पाकिस्तान के बच्चे और पाकिस्तान के होनहार आवाम, भारत के प्रधानमंत्री और जो भारत में डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं वो देखिए। और आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे वीडियो। तो अभी जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो मोदी ने अपनी फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट किया कि हम अपने जो स्पेस एजेंसी को दुनिया के टॉप पे लेवल पे लेके जा रहे हैं, और आज भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आटे की लाइनों का मुआयना कर रहा है जाके, क्या कहेंगे आप? अगर आज से थोड़ा सा पीछे चलूं, तकरीबन 1990 तक की बात मैं कर लूं, तो कहा यह जाता था कि पाकिस्तान एक एडमिट ताकत बनने जाएगा, पाकिस्तान ने ये कर देना, पाकिस्तान ने दुनिया पीछे छोड़ देनी है। आज पाकिस्तान वहां पे खड़ा है कि हमारे लोगों को जो है आटा लेने के लिए इस तरह करना पड़ता है, और वो भी आटा, वो आटा जो जानवरों को खिलाया जाता है, बल्कि जानवर भी उसे जो है वो सूंघ के छोड़ देंगे खाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और मैं बात कर लूं इंडिया की, इंडिया इस टाइम जो है वो तकरीबन आप देख लें स्पेस पे जा चुका हुआ है, अपने लोग भेज रहा है वहां पे स्पेस पे। भाई आप तो मेरा ख्याल है वो उनके काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो वहां पे परचेजिंग वगैरह भी आई थिंक सुनने में है, वो भी करने लग गए हैं। तो वो जो है एक आगे की सोच रहे हैं, हम पीछे की सोच रहे हैं कि हमने भाई गरीब को जो है गरीब के कपड़े किस तरह बेचने हैं, हमने गरीब को आटे की लाइनों में किस तरह मारना है, हमने गरीब को रोड पे किस तरह मारना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपना मुल्क इस कदर अच्छा की जाए कि इंडिया वाले हम पे फख्र करें, और जो हालात पाकिस्तान के वो बहुत बुरे हैं और इसमें सिर्फ गरीब पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि मोदी पाकिस्तान आ जाए और ये हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया चले जाए। सही है, फैसले अच्छे करता है। फीमेल्स के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा, जो जब जो फीमेल्स के लिए करेगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, वोट देंगे, वोट देंगे, क्या कुछ भी दे देंगे। अच्छा, पाकिस्तान के फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल बकवास, कुछ भी नहीं, बर्बादी आगे कुछ भी नहीं। महंगाई और करप्ट में हमारा पाकिस्तान जा रहा है, महंगाई में कर्जे उठा रहे हैं और बस खाई जा रहे हैं, और इनको कोई काम नहीं है। देख लें सब चीज का रेट बढ़ गया और हमारा नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और बुक्स में आपको कभी ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है, ऐसा कभी कुछ पढ़ाए? पढ़ाते तो है, पर ये होना ये है नहीं है। इंडिया हमारा एक हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। जिस तरह हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमें उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। दुश्मनी नहीं किसी के साथ भी हमें करनी चाहिए, लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, ये गुनाह होता है इस तरह। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को आपस में, पाकिस्तान जिंदाबाद, बट अगर आप तरक्की के लिए हासिल करते हैं तो उनकी आईटी देख लें किस हद तक जा पहुंची, और आईटी से आगे जाते जाते उनकी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है कि एप्पल ने अपना पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खोल लिया है। और हमारे दरमियान, क्योंकि हमारे पास हुकूमत भी यही कहती है कि बजट नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के बाद हमारे मुल्क के माशी हालात, इकनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, और दिन ब दिन जिस तरीके से दिन गुजरते जा रहे हैं उस तरह जो है ना हमारा मुल्क नीचे ही और पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की की जानब अगर हम के गामजन है तो ऐसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा यार। देखो कम से कम वो ट्राई तो कर रहे हैं भाई, अगर नहीं भी जाते ना, सारे प्लेन नहीं जाते, कम से कम वो ट्राई तो कर रहे हैं ना। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने किसी को स्पेस में भी भेजना है, हम यही सोचते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर आपने करप्शन कर लिया तो लंदन चले जाओ। सर पाकिस्तान का फ्यूचर फिलहाल मुझे जब तक कोई लॉयल नहीं ना आता तब तक नहीं मुझे नजर आ रहा कि पाकिस्तान कहीं पर स्टैंड करेगा, अदरवाइज पाकिस्तान बिक जाएगा और एंड पे यही होगा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। आटे की लाइनों में लगी हुई है, टेक्नोलॉजी की तरफ है ना। हाँ जी, हमारी तरजीहात ये है कि हम आटा पूरा कर लें, रोटी पूरी कर लें, महंगाई किस तरह करनी है, मुल्क को डिस्टर्ब किस तरह करना है। जो एक साथ मजाद हुए थे ना, वो कहाँ कहाँ निकलते जा रहे हैं। तो बात आपकी ठीक है, मगर जाहलियत है ना यहाँ पे, स्टडी का कोई पैटर्न नहीं है कि आवाम को स्टडी दी जाए जिससे उन्हें अवेयरनेस आए कि हमने क्या करना है, हमारा हमने मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे तरक्की करनी है। अब मैंने पिछले दिनों एक जगह सुना था, एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें देखा जी कि हमारा जो खेड़ा से नमक निकल रहा है वो इंडिया जाता है, 2 रुपये किलो के हिसाब से हम वहाँ पे बेचते हैं, और वहाँ से जो है वो बन के फर्टिलाइज होके और टाटा कंपनी जो भी वगैरह उसको करती है, उसके बाद जो है वो जब हमारे तक पहुँचता है तो वो हम उनसे ही जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं अपना ही नमक। तो अब ये देखिए ना कि 2 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं तो जहालत है, हमारे कौम भी उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर ऐसा हकीकत में है तो हुक्मरानों को चाहिए कि यार आप अपने जो पॉलिसीज हैं वो तो कम से कम ठीक रखें, आप तो खुद मुल्क में नहीं कुछ लेके आ रहे। इंडिया का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, लाइक उनका मानना है कि इंडियंस का, कि वो 2030 तक सुपर पावर बन जाएंगे, क्या आपको लगता है वो बन जाएंगे? वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो नहीं मैं कह सकता,
लेकिन टेक्नोलॉजी की दौर में वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं। सही बात है। सिटीज आए थे यहाँ पर, वो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, फिर उनका वो कहते हैं हेडक्वार्टर किसका बनाया अभी रिसेंटली, आईफोन का हेडक्वार्टर बन गया। तो ये तो मतलब अब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा के मतलब के हम इंडिया के यही सोचते हैं कि वो टॉयलेट्स वगैरह ही, उनकी तरक्की नहीं देखते, जब सिर्फ उनके लोअर पॉइंट पे जाते हैं, उनके हाई पॉइंट पे नहीं जाते, उनको वो नोट नहीं करते कि तरक्की कितनी कर रहे हैं, उनको यही रेलवे स्टेशन में टॉयलेट बनाएंगे, वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तीन साल पहले जब चंद्रयान खराब हुआ था, उनका मिस हुआ था, तो हम पाकिस्तान ने बहुत मजाक उड़ाया था इंडिया का चंद्रयान खराब हो गया, ये वो इवन वो दो कोशिश कर रहे हैं, अभी पिछले साल उनका चंद्रयान जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया, इवन आज हम फिर भी हम आटे की लाइन में लगे हुए, पाकिस्तान डूब रहा है मेरे ख्याल से। अभी आटा आहिस्ता आहिस्ता देखे क्या क्या ऐसे ही बांटना है, इन्होंने बस भिखारी बनाया हुआ है, हुकूमत ने आवाम को भिखारी बनाया हुआ है, बस लगे हुए हैं कि इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, उसमें हमारा भी बेनिफिट है, लाजमी नहीं कि उनका ही देखेंगे इसमें हमारा कितना नुकसान होगा ना ट्रेड करने का। क्या हमारे स्कूल्स में और बुक्स में ऐसा लिखा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है या पेरेंट्स वगैरह ने ऐसा कुछ कहा? हाँ सुना हुआ है लाइक कि इंडिया और पाकिस्तान लाइक इतने गुड टर्म्स में नहीं है अभी। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया और पाकिस्तान की वहाँ के जो बच्चे हैं वो तो हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते, वहाँ के काफ़ी रिव्यूज़ जो लो तो वो कहते हैं कि यार नहीं वो तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान है ये वो, तो पाकिस्तान इस तरह से क्यों सोच? मे बी बिकॉज लाइक हिस्ट्री में लाइक जो मुस्लिम लोग थे उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं था और लाइक हिंदूज को ज़्यादा फ्रीडम था। तो आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा ये कहा कि आप इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनके साथ मिल बांट के में रहना चाहिए? हाँ रहना चाहिए, हम इंसान हैं और एक साथ ही रहते हैं, बस बॉर्डर्स अलग अलग हैं। मैंने कभी इस तरह वीडियोज़ नहीं देखी इंडिया की, इस तरह कोई पीस अगर जाएंगे तो वहाँ पर फिर पता चलेगा कि कौन सी जगह कैसी है, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर। आप ताजमहल है वो अच्छा लगता है जी आपको? जी अच्छा, पुरानी जगह लड़कियों को पसंद है एक्सप्लोर करना है ना? यस, और छोटे छोटे बच्चे हैं अलग और आजकल तो ज़्यादातर पुरानी चीज़ें एक्सप्लोर करने का ज़्यादा हो गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। वैसे वहाँ पे इंडिया की कभी कोई डिश जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपका क्रेव हो यार मैं जाके खाना चाहूँगी? मोमोज। मोमोज अच्छा, आपको डोसा? अच्छा जी डोसा पसंद है एक। अच्छा जी वहाँ पे तो साड़ियों का यार बड़ा ट्रेंड चलता है तो वो पहनते साड़ियाँ ही पहनते हैं, वो बहुत कम होते हैं जो जीन्स शर्ट सलवार कमीज बहुत कम होते हैं वहाँ पर। लास्ट में इंडिया के लिए क्या मैसेज दूँगी? कि यार हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दोस्त बन के रहें। और आप क्या कहोगी? हमें जंग नहीं करनी चाहिए और हम लोग ना उनको मारें और हम लोग दोस्त बनें। तो भाई ये थी हमारे पड़ोसियों की राय, अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपने विचारों की। तो देखिए भाई कल परसों मैंने वीडियो डाली थी कि भाई पाकिस्तान के जो लड़के थे उनकी सोच, ये फ़र्क है भाई साहब आप ज़रूर समझेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं लड़के उनमें अलग ही बीज बोया जा रहा है, पाकिस्तानी लड़कियों में अलग ही है। ठीक है, जो पाकिस्तानी लड़के भाई उनके जहन में उतारा जाता है कि भाई जो कश्मीर है वो हथियार रखा है और वहाँ पर जो मुस्लिम हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत तुम्हारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि भाई वो बड़े होंगे तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जाहिल ज़रूर निकल जाएगा उनमें कि भाई वो बॉर्डर कूद के आएंगे और यहाँ की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मदरसे में भी जाते हैं भाई साहब, लड़कियां हैं वो अभी फ़िलहाल कम कर दी गई हैं क्योंकि भाई साहब आप लोगों ने वीडियो देखते होंगे तो रिएक्शन पीछे कई जो हैं इनके भाई कारनामे मौलानाओं के निकल के आए थे कि ये मदरसे में लड़कियों के साथ क्या कुछ करते हैं। तो फिलहाल क्योंकि भाई वो कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जो पाकिस्तानी लड़कों के जहन में बो रखा है तो वही वो निकल निकल के आ रहा है और फिर पाकिस्तानी बोल देते हैं भाई हमारा देश पीछे क्यों जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर के जय हिंद जय भारत जय श्री राम।